ले लो। चले भाई चल रहे हैं वाड़ियाँ लेके बाबा के साथ, आज जुड़े रहिए, बहुत आनंद आएगा। जय जय राम। आप आज सबको विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई हो, आज की विजयादशमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली आ रही है और पहले 5,000 दीप जलाए थे, अब इससे आगे और जलाएंगे। सभी सनातन धर्मियों से प्रार्थना है आए श्री पंच पूजा हनुमान मंदिर और दिवाली भी बड़े धूमधाम से मनाएं। जय श्री राम। प्रभु क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम माता की दिवाली काम के लिए, जा रहे हैं नदी के पुलियों पर। जय राम जय राम जय जय राम। अच्छा जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण राधे राधे। आज हम सुल्दाबाजार में मौजूदा सुल्दर मजार में उस मंदिर में मौजूद है जो तकरीबन 1500 साल पुराना मंदिर, उससे भी ज़्यादा भव्य मंदिर है। और आज यहाँ दशहरा है, दशहरा हो चुका है। अब ये बाड़ियाँ जो है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से हम लेकर जाएंगे नेटी जेटी, तो हम इनके साथ आज जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के भव्य जो प्रोग्राम है ये मंदिर का, अंदर हम जा रहे हैं। बहुत ही शानदार डेकोरेशन किया हुआ है नवरात्रि के हिसाब से। आज की यादें फिर हमें आएगी कि फिर एक साल किस तरीके से गुजरे और ये नौरते जो मनाते हैं भगवान की विशेष कृपा से हमारी माएँ बहनें बेटियां बिंदास जो है। पहला पड़ाव ये कि भाई ये जूती की सेवा। जय श्री राम। प्रभु कैसे है? प्रभु ठीक ठाक है? क्या हो रहा है, सेवा हो रही है? जय श्री राम जय श्री राम। प्रभु क्या हो रहा है, सेवा हो रही है? कैसा हुआ है नौरते, कैसे चले? बढ़िया चले। कैसे कितने बजे तक प्रोग्राम चलता रहा आपका? चल रहा अपना 9 बजे से लेके 2 बजे एंड हो रहा है। अच्छा, अभी वाड़ियाँ कब लेके जा रहे हैं? अब आपको ये पल याद आएंगे ना, ये 9 दिन फिर ये आपको ऐसा लगेगा कि यार फिर दोबारा ये साल गुजरे फिर नौरते आ जाए, है ना? सर आपका नाम बताएं। प्रभु शंकर। अच्छा भाई, ये राजेश किशोर और शंकर भाई ये सेवा कर रहे हैं जूतियों की, तो वाह जी वाह, धन्यवाद इन सबका। अच्छा भाई, जय श्री राम। प्रभु अब तो क्या हो रहा है, डांडिया? अच्छा आज, अच्छा आज तो दशहरा है, आप लोग फिर भी डांडिया कर रहे हैं? अच्छा क्या लग रहा है, ये दिन याद आएंगे आपको? बहुत सारे दोस्त बनाए हम लोगों ने। अच्छा आप लोग का नाम बताएं। मेरा नाम आनंद, इसका नाम कैलाश, इसका नाम मथन, अनिल, श्याम, कुणाल, राहुल, ये विनोद, ये ऋषि, ये नरेश। जबरदस्त। अच्छा अभी आप क्या डांडिया में क्या करने वाले? डांडिया में हम लोग खेलेंगे, थोड़ा सा एक स्टाइल करके दिखाएं डांडिया का, किस तरह खेलते हैं आप लोग? चलो प्रभु। चले बहुत बहुत जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल 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 आपको दिखाएंगे। आंटी आज थक गई है बहुत 10 दिन की। ब्रह्मा मया
जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में गद्दी नशीन श्री राम नाथ मिश्रा महाराज प्रभु ने आज दशहरा मना रहे हैं हम लोग बहुत, और नवरात्रि बहुत धूमधाम से हमने सेवा की, और हम यहाँ के सेवादारी है और 9 दिन जो है बहुत सेवा की है और कर रहे हैं, और हम हमें बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और नमन करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नवरात्रि का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया। बहुत सारे सेवादारी आए, यात्री आए, बहुत इंजॉय किया और भाव प्रसाद भी होता रहा 9 दिन। आज 10वां दिन है, आज भी भाव प्रसाद देख सकते हैं कि बन रहा है, और लोग हमारे साथ अभी नटी झटी समंदर पे हम जाएंगे अभी, और यहाँ माता की वाड़ियाँ लेकर गंगा जमुना जो कि नटी झटी पे है बना हुआ, वहाँ क्योंकि हम गंगा मैया में उनको जो है उनका विसर्जन करेंगे। और हम एक बार फिर गुरु जी का धन्यवाद करते हैं, उनका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि इसी तरीके से ऐसे जैसे खुशियां अभी नवरात्रि की और दशहरे की है, ऐसी खुशियां हमें देते रहें और ऐसे ही हमारे पर आशीर्वाद है, और हम यहाँ सेवादारी हैं और उनके चरणों में सदा हम बैठे रहें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता की। आज विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन आज हम अपनी वाड़ियां जो हैं वो लक्ष्मी नारायण मंदिर तक लेके जा रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में इनका विसर्जन हो जाएगा। और देख सकते हैं कि माँ शेरावाली की जगदम्बा का क्या रूप है, क्या जगत जननी का। आज हमारी जगत जननी माता जी ने ये द्वार को खोले हैं और पूरे 8 दिन तक ये द्वार बंद रहते हैं, और अष्टमी के संध्या के समय पर जो है ये खुल जाते हैं। तो आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और विजयादशमी है। देख सकते हैं कि वाड़ियाँ कितनी जबरदस्त तरीके से जो है माता हमसे कितने प्रसन्न कार्य से हैं। भैरवनाथ जी, हनुमान जी बाबा, पंचमुखी हनुमान जी, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, सबके नाम से वाड़ियाँ डलती हैं। और ये अभी एक रैली की शक्ल में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेके सीधा जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर पोर्ट ग्रांड की तरफ जाएगी, और फुल सिक्योरिटी में तमाम हसास इदारों ने जो है एक भरपूर तरीके से अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है। पाकिस्तान के देश में हम इस परचम के साए तले सब एक हैं, और सनातन धर्म के इस भगवा ध्वजा के साए तले हम सब सनातन धर्मी एक हैं, और हम सबको एक होके रहना चाहिए। इस मंदिर में हर जात पात का आदमी आया हुआ है, और सबके पास जो है वाड़ियां भी होंगी, ध्वजाएं भी होंगी, और वो सब हमारे साथ चल रहे होंगे। तो यही है सनातन धर्म, और यही है सनातन धर्म का नाम जो सबको मिलाता है और विश्व का कल्याण करने को बोलता है। केवल सनातन धर्म के कल्याण को नहीं, विश्व के कल्याण को करता है। तो आप सभी से कहूंगा कि जुड़े रहें, और लता रवि के जो भी चैनल को देख रहा है वो इस कार्य को देखते हुए सनातन धर्म की हमेशा जय करते रहें, इसी तरह धर्म का नाम आगे बढ़ाते रहें। हम तो अपने पाकिस्तान देश में, हमें पूरा एक भरपूर तरीके से देखें, हमारी सिक्योरिटी देखिएगा आज सब एक कितनी अच्छी सिक्योरिटी दी गई है।
जय श्री राम, जय बजरंग बली। हमारे साथ गद्दी नशीन श्री रामनाथ पंचमुखी हनुमान मंदिर से महाराज जी विश्रा परिवार से। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब ये जो वाणी है जो हम लेके जाएंगे वो नेटी जेटी मंदिर में जाएगी वाणी है। और ये क्योंकि धर्म का ऐसा कार्य है कि हम जो नेटी जेटी को अपना गंगा जमुना सरस्वती माता का स्थान देव समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास और कोई जगह नहीं है विसर्जन करने के लिए, तो हम वो विसर्जन करने जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये भव्य तरीके से हम किस तरीके से कार्य करेंगे। तो साथ जुड़े रहिएगा, बहुत आनंद आएगा आज के इस विषय आपको भंडार में। तो ये सारे हमारे भगत हैं, सेवादारी हैं जिनका राम।
श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं एकदम भव्य कार्यक्रम है और श्री पंच हनुमान मंदिर से हम शादी नशीब रामदास महाराज मिश्रा फैमिली से आज आप देख रहे हैं कि ये वाणिया जो हम लेके जा रहे हैं समापन करने के लिए हम रेडी रेडी जाएंगे और फुल सिक्योरिटी के सिस्टम से जाएंगे पूरे रोड पे माता की ये वाणिया लेके जाना है। दिखाते हैं आपको, जुड़े रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। भंडारा प्रसाद दिया जा रहा है भक्तों को। कब लेके आएगा ये? अब वापिस है। जय माता की, जय माता की, जय माता री। नवरात्रि आएगी, हम लोग इंतजार करेंगे और मूर्ति रखेंगे, धूमधाम करेंगे, घर पे खेलेंगे, बहुत याद आएगी माता रानी। जो 9 दिन गुजरे ऐसे हर साल रोज गुजरेंगे हम लोग की, सबको रोजी मिले, सबकी परेशानी माता रानी दूर कर रहे, उसके पीछे हम लोग की भी हर परेशानी हम लोग की दूर। आप बोले जय श्री राम, जय श्री राम। माता रानी की बहुत याद आएगी, अगले साल हम और इंतजार करेंगे, बहुत धूमधाम से माता रानी के नौते मनाएंगे, सब बच्चों को, सबको। जय श्री राम, जय माता दी। क्या नाम है आपका? वासना। आपका? अच्छा, ये नोरते तो आज आखिरी दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नवरात्रि चले गए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हमें याद भी आएगी आपको, अगली बार वापस इंतजार करते हैं, जल्दी जाए। अच्छा, आप ये बताएं आपने कितने जोड़े सिलाए थे नोरते में? 10 है। 9 दिन में 10 जोड़े? कौन से दिन 2 जोड़े पहने आपने? एक छोड़ दिया। अच्छा, जबरदस्त। राम, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कंचन है। अच्छा, जरा बताएं नौरतों में क्या क्या करते हैं आप लोग? पूजा करते हैं घर में, पूजा पाठ करते हैं 9 दिन की, आरती करते हैं। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है अभी नौरते जा रहे हैं तो? हमारे 9 दिन ऐसे होते हैं कि भव्य हमारे घर के अंदर बिल्कुल एकदम उजाला होता है, जैसे माता रानी का बच्चियाँ आती है, रास करती हैं, गरबे करती हैं। अब ये बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाएगा, ऐसा है ना? फिर अब हमें क्या, हमें अब आने वाले साल का इंतजार है, आपको है कि नहीं? चले, बहुत बदल आने वाला साल इससे और। अच्छा, ये देखिए भाई, ये भव्य तरीके से आज जो है वाणियाँ जा रही हैं श्री पंचों की हनुमान मंदिर से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे रोड की आपको जय श्री राम। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? हम जा रहे हैं। अच्छा, नेडी जेडी क्या करने जा रहे हैं आप लोग? वाले ठंडी करने जा रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, हाँ, जय माता दी। कैसे लगते हैं आप? अच्छे लगते हैं आप तो? जय श्री राम। अच्छा, बताएं आज का ये जो अब नोरते जा रहे हैं, आज लास्ट डेट है, तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया, 9 दिन तक बहुत मजा आया। नहीं तो आपने क्या एंजॉय किया, मतलब आज गरबा किया, डांडिया खेली, बहुत एंजॉय किया। कौन कितने मंदिर में गए आप? स्वामीनाथ मंदिर। अच्छा, और ये तो यहाँ मौजूद है आज आप? चले ठीक है,
श्री राम। क्या नाम है प्रभु आपका? हमारा नाम विशाल कुमार नाम है। विशाल कुमार, आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, मगर नवरात्रि का जो मजा है ना, यहाँ के अलावा कहीं नहीं। अच्छा, नवरात्रि में आप ये बताएं, जैसे नौ दिन ये न्याणियों के होते हैं, बहुत इनको खास, हाँ वो खास न्याणियों को भी, घर की न्याणियों को भी इजाजत होती है कि आप भव्य तरीके से मंदिर जाएं, घर में पूजा करें। अच्छा ठीक है, अब ये आज आखिरी दिन है, अब दशहरा हो चुका है और अब ये वाणियाँ ठंडी हो जाएगी, इसके बाद फिर ये बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। इतना मेला होता है ये नौ दिन, इतना मेला सस्ता है कि हर मंदिर में बहुत ज्यादा रश होती है, आज के बाद ये सारा सन्नाटा होगा। आप क्या चाहते हैं अगले, क्या तो देख रहे हैं? उदासी बहुत हो रही है कि नवरात्रि जा रही है, हम तो पूरा साल वेट करते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि पूरा साल नवरात्रि चले, हमारे को एक साल ये नौ दिन में जो एंजॉय करते हैं ना, हम नहीं बता सकते आपको। बस ये नौ दिन गए, आज दशहरा है, आज रावण को जलाए, इंशाल्लाह 20 दिन के बाद दिवाली मनाएंगे, श्री राम भगवान हमारे घर आएंगे, फिर कृपा करेगी माता रानी, सब दिन आ जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत मजा आ गया, जबरदस्त। ले लो, चले भाई, चल रहे वाणिया लेके बाबा के साथ, आज जुड़े रहिए, बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम। हाँ प्रभु, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम माता जी की वाणी को कहने के लिए जा रहे हैं, नदी जी के ऊपर। वो माता जी का आज 10 दिन पूरे हो गए, नौ नवरात्रे आज दशहरा का, आज माता जी की वाणी लेके। अच्छा, ये जो मेला सस्ता है नौ दिन का, आप तो बहुत याद आएगा। बहुत बहुत, ये पूरा साल मिस होता है, और ऐसा मेला कभी नहीं होता है, नौ दिन होते हैं, इनको बच्चों को ज्यादा हो रहा है कि माता जा रही है। हाँ यकीन करो, हमें भी बहुत, क्योंकि हम ये नौ दिन हमने ना दो दो इवेंट्स कवरिंग किए, और रात को चार चार बजे घर जाते थे, मगर बहुत अच्छा लगता था, अब हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है। नौ दिन माता जी से मिला है, और बच्चे भी आज अनुमोह छोटा करे, क्योंकि रोज डांडिया खेलते थे, गरबा खेलते थे, उनको दो घंटे और तीन घंटे का जो एंजॉय करने का टाइम मिलता है। ये खासतौर पर इवेंट जो है हमारे माता ने बच्चियों के लिए रखा है, हमारी बहनों को, माएँ बहनें बेटियों का ये इवेंट्स होता है, क्योंकि नौ दिन इन्हीं को छूट दी जाती है, फुल इनको एंजॉय करने का माता ने इनके लिए बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, माता ने माता, जय माता, जय माता, जय माता। भरपूर तरीके से वाणियाँ लेके जाए जा रहे हैं, पूरा सिग्नल रोक दिए गए हैं। आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र का, तीन नंबर से देखें आपकी वाड़ियाँ जा रही है, ये इस गाड़ी में रामनाथ महाराज का बैठे हुए, और ये वाणिया से विजन करने के लिए लेके जा रहे हैं। जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम, राम सिया राम सिया, जय जय राम, राम सिया राम सिया, जय सिया राम, राम सिया राम सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, कितने भव्य तरीके से ये जो हम लेके जाए हैं, श्री रामनाथ महाराज इनको प्रोटोकॉल भी दिया गया, और ये रात का तकरीबन इस वक्त जो है तकरीबन 1:30 बज रहा है, और हम इस रोड के ऊपर से जा रहे हैं, और ये वाणियाँ सृजन करने के लिए लेडी जेडी मंदिर में जा रहे हैं, हम करीब तक पहुँच चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ हैं, और ये भव्य तरीके से
वाणियाँ लेके जा रहे हैं माता की, माता रानी की महिमा करते हुए। अच्छा भाई, हम आ चुके हैं भाई नेटिविटी मंदिर में और टाइम हो रहा रात के 2 बज रहे। आपको दिखा रहे हैं कि भव्य तरीके से ये लेकर आए हैं वाणी। पानी है जो है अभी रात के जो है 2 बज रहे हैं और यहाँ पर हमारी बाहर की बेटियाँ नीचे आ रही है। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी की कृपा से और माँ भगवती की कृपा से ये उत्सव बहुत आनंद के साथ मनाया गया है और सभी पाकिस्तानियों को इस अवसर का शुभकामनाएं हो और माता रानी को अच्छे से दूर करें। जय माता रानी। दिन तक मांगनी लीला ही लीला रहेगी हमारे पास। आपका नाम माता जी? शुभ नाम आपका? आपका नाम? चंदा। अच्छा चंदा, ठीक है, धन्यवाद आपका। और हमारी घर में माँ का बहुत लीला लीला रहेगा। जबरदस्त। सब भाइयों ने होम हवन किया और सबको खाना खिलाया, फिर हम लोग आए हैं, सबको खाना वाला खिलाया, प्रसाद वगैरह करा दिया आपने। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि माता की जो है ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि माता की जो है वाणियाँ हैं ये, और ये हमारी बेटियाँ माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त रात का तकरीबन 2:15 बजे और ये विसर्जन करने के लिए आए हैं और ये विसर्जन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड इन्होंने अरेंज किए, अब इसमें जाके बीच ये हमारे लिए गंगा मैया की तरह ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यहीं हम अपनी जितने भी कार्य होते हैं यहीं से विसर्जन करते हैं, तो ये भी यहाँ हम विसर्जन करेंगे, तो आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम। अब ये देख रहे हैं कि विसर्जन करने के लिए जो है सामने एक कश्ती का इंतजाम किया गया, रात के 2:15 बज रहे हैं और 2:15 बजे का भी कार्य शुभ कार्य बता रहे हैं कि ये इस तरीके से आपको दिखाएंगे हम। धमकी मार भैया एक बार। हरे कृष्णा प्रभु। ये 9 दिन माता के होते हैं और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, माता के घरों में आते हैं, बेटियां आती हैं, परिवार आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर 10वें दिन यहाँ पर गरबे लाते हैं और माता के ज्वारे वगैरह भी लाते हैं, वो फिर इधर विसर्जन करते हैं और काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे देखकर। और ये माता की महिमा हर साल सबको करना चाहिए, ये सबको 9 दिन मनाना चाहिए और 10वें दिन यहाँ पर विसर्जन करना चाहिए। और लोग आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर देखकर। अभी हम लोग आए थे तो लोग नहीं थे, हाँ, अभी अगले साल का इंतजार करेंगे। बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। अगले साल इंतजार करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। अगले साल तक इंतजार करेंगे इस दिन का। 9 दिन में बहुत 9 दिन में जो है वो बहुत अच्छे दिन गुजरे हम लोगों के। 9 दिन बहुत सेवा की, न्याणियाँ आई घरों में, खीर पूड़ी का जो है वो प्रबंध किया और गरबे वगैरह हुए और 9 दिन ऐसे गुजरे जैसे 9 घंटे हों। अब ऐसा है कि आज हमें बहुत दुख भी हो रहा है कि बस अब माता को रुखसत कर रहे हैं, तो अब इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। अब माता ने जिंदगी दी तो अगले साल फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। जय माता। नवरात्रि विजयादशमी पुण्य आत्मम देवकारणं नमामि भगवते श्री भोले श्री जगदम्बे।
की जय। की इंतजार के बाद अब हमारे पास नाव आ चुकी है हमारी, और सभीजन का ये कार्य जो देख रहे हैं कि संपूर्ण तरीके से हो रहा है। अब ये नाव के अंदर सारी वाणियाँ रख दी जाएगी। हाँ प्रभु, यार
टीम जो है प्रेसिडेंट करने जा रही है, आराम हवाले चल रही है नाव, अभी देखते हैं। अच्छा भाई, ये ब्लॉग हम यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि हम तो नहीं बैठ पाए नायब हुए, क्योंकि बाड़ा साहब भी बोल रहे थे कि आने के लिए, मगर मुझे लगा सही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इसमें। और जो सेवा करते हैं मंदिर की, जाहिर सी बात है उनका राइट पहले, और हम भी चाहते हैं कि जो सेवादारी होते हैं उनको मान सम्मान ज़रूरी है, तो अच्छी बात है वो जा रहे हैं अभी ये हमारे साथ तमाम सेवक, और तुम दिखा रहे हैं। देखा कि विसर्जन करके आ चुके हैं और ये नाव जो अभी किनारे पे आ रही है, रात के जो है वो 3:30 बज रहे हैं सुबह के। आप देख रहे हैं कि हम अपने सब्सक्राइबर को चाहते हैं कि भव्य तरीके से जो है, तो इसी ब्लॉग को यहाँ समाप्त करेंगे आज। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम। आज का दिन बड़े सुख शांति से गुजरा, बाबा रामनाथ भी आए वाणिया सारी लोग सूर्य वगैरह से मंदिर से, तो तमाम हिंदू बिरादरी के लोग आकर आज जो बड़े धूमधाम से उन्होंने दशहरा बनाया, बड़े धूमधाम से, और हमारे पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ होती है जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। जय श्री राम।